जसपुर में करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी की निर्मम हत्या के विरोध में क्षत्रिय महासभा ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार सुभाग्नि सिंह को ज्ञापन सौंपा है। बता दें कि क्षत्रिय महासभा के बैनर तले विधायक आदेश सिंह चौहान के साथ सैकड़ों क्षत्रियों ने SDM कार्यालय परिसर में सुखदेव सिंह के हत्यारों को फांसी की सजा दिलाने की मांग की है। इसी क्रम में क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष राजकुमार सिंह चौहान ने कहा कि पुलिस सुखदेव के परिवार को सुरक्षा मुहैया कराए। जसपुर से प्रदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। राष्ट्रपति महोदय के नाम से क्षत्रिय महासभा जसपुर के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है श्री सुखदेव सिंह गोगामणि की निर्मम हत्या हुई है उसके संबंध में। जैसा कि देश में अभी 3 दिन पहले राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के संस्थापक और अध्यक्ष भाई सुखदेव सिंह गोगामणि जी की जघन्य हत्या राजनीतिक षड्यंत्र के तहत कर दी गई है, उसका पूरे देश में बड़ा रोष और बड़ा ही वातावरण ऐसा जयपुर का हो गया है कि संभाले नहीं समझ रहा। सोची समझी साजिश के तहत ये हत्या सरासर राजनीतिक कारणों से कराई गई है।